नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं एएच न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। अध्यक्ष महोदय, जितना वो सुनना चाहेंगे उतना ही मैं बोलूंगा। नहीं, आप तो लेकिन कल संक्षिप्त में बोलने आ जाए तो। जी जी, संक्षिप्त में मैं कुछ नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब 2010 में यह विधेयक जो सरकार वर्तमान की लाई थी, लाने के उद्देश्य से सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में उनके द्वारा जो वक्तव्य आया, मैं उसका चार लाइन सिर्फ उनको याद कराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उस समय माननीय चिदंबरम साहब ने 19 अगस्त 2010 को यह 2010 में एफसीआर में कानून लाए, उसके उस भाषण के वक्तव्य का चार लाइन कि महोदय, अब हम लगभग 40,000 संगमों पर कार्य कर रहे हैं। वास्तव में जुलाई 2010 तक यह संख्या 40,173 है। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब मैंने ईरा अधिनियम की समीक्षा की तो यह देखा कि आधे संगम विदेशी अंशदान की सूचना नहीं देते हैं, वे लेखा फाइल भी नहीं करते, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था। अभी जो मनीष माननीय सांसद मनीष जी बोल रहे थे कि यह अधिकारों का उल्लंघन है, 14 के अनुरूप नहीं है। सर, जब हम किसी के अधिकार का हनन तब करेंगे जब उसकी हम क्रियाकलाप को रोकेंगे, लेकिन जो भी संस्थाएं काम करती है वह संस्थान अगर कानून और नियम के हिसाब से नहीं करती और अपने उद्देश्यों से भटक जाती है, उस परिस्थिति में उस पर हम नोटिस करते हैं, उनको सुनते हैं, हम उसकी जांच करते हैं, तत्पश्चात जरूरत पड़ने पर अगर कानून के हिसाब से नहीं है तो हम कार्रवाई करते हैं। इसमें उनके अधिकार का हनन कहां हो रहा है? और तबलीगी समाज दूसरा है, दूसरा वह कह रहे हैं आधार की बात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही कि अगर जरूरत पड़े तो पहचान के लिए अगर उपयोग में हम आधार को ला रहे हैं, ताकि जो उनके डायरेक्टर्स हैं उनके विषय में हमारे पास पहचान रहे, कहाँ के हैं, उनका उस आधार के हिसाब से उनका पता क्या है, तो इसके लिए आधार का प्रावधान करने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही यह संशोधन की बात लाई गई है। अध्यक्ष महोदय, 11 में प्रिंसिपल एक्ट की धारा 16 में संशोधन प्रस्तावित है, जिसके विषय में कह रहे थे कि हम जब नवीनीकरण करते हैं तो नवीनीकरण के विषय में हम कल विशेष रूप से हम चिदंबरम साहब ही नवीकरण के विषय में जो कहे थे कि 5 वर्षों के बाद अगर हम नवीनीकरण करते हैं तो उस समय किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। और हम जब नवीनीकरण 5 साल की गतिविधियों के बारे में जांच करने का अधिकार इससे हमको मिलेगा, ताकि जब हम किसी भी संस्था का हम नवीनीकरण करें तो उसके 5 साल की गतिविधियों की अगर हम जांच नहीं करेंगे तो उनके क्रियाकलाप देश विरोधी जा रहा है, जिस उद्देश्य से पैसे आए उसमें खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने में किसी को क्या आपत्ति है? तो यह मानसा समझ में नहीं आ रही है। दूसरा, अभी माननीय वरिष्ठ सांसद शौकत साहब कह रहे थे कि यह विधेयक विदेशी अंशदान को में भेदभाव बरतेगा, माने या तो धार्मिक संस्थाओं की या गतिविधियों को ठीक से परिभाषित को जान माने समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर पुष्टिकरण की भावना से कह रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है महोदय, बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अवसर प्रदान है। एफसीआर एक्ट 2010 में धार्मिक गतिविधियों के लिए विदेशी अंशदान की जो अनुमति की गई थी उसी के आधार पर यह अभी भी उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं।
चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, यह कानून के अनुसार विदेशी अंशधान प्राप्त कर सकती है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो संस्थाएं विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं वह अपने उद्देश्य से न भटके, न किसी ऐसी गतिविधियों में आए जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को बाधित करता हो, या कहीं न कहीं से वह बाधित करने का प्रयास करता हो, या फिर हमारे जो राष्ट्रीयता के आधार पे जो हम जो कहीं से भी खतरा पैदा नहीं होना देने चाहते हैं, इसके नियंत्रण के लिए हम चाहते हैं, और जो जिस उद्देश्य से पैसा आते हैं उसी उद्देश्य में लगे। दूसरा बात, उन्होंने जो एक बात कही कि एक बैंक में खाते के लिए सर हिसाब किताब रखना कितना कठिन हो गया था, स्वयं चिदम्बरम साहब कहे कि आधा तो कोई न रिटर्न दाखिल करता है, न हमारे पास सूचना करता है, पैसा कहाँ रहा है, नहीं जा रहा है। तो एक व्यवस्था की गई है, उसमें भी सुविधा यह दी गई कि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। एसबीआई बैंक ने इस पर दो आश्वासन भी दिया है कि आप अपने स्थानीय स्तर पर भी कागज जमा करेंगे और उसका खाता दिल्ली में खुलेगा। बहुत बढ़िया। और उसका पूरा हम यहाँ से उसकी व्यवस्था करेंगे, भेजेंगे, और वह संस्था अपने स्थानीय स्तर से भी दूसरी खाता खोल सकती है। इतना बिल्कुल से स्पष्ट है महोदय, इनकी मंशा समझ में नहीं आई। प्रश्न ये कि विदेश को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में, हां वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्थापित करें। जी अध्यक्ष महोदय, विधेयक को प्रस्थापित करता हूं।